ना, वी आर गोइंग फॉर टू पॉइंट सिस्टम। अब टू पॉइंट सिस्टम की भी बात अगर करते हैं तो एक्सेस तो हमें बनाना ही है, एक्सेस इज नॉट गोइंग एनीवेयर बिकॉज स्टैंडर्ड रेफरेंस तो हमें रखना ही पड़ेगा। तो अगर एक पॉइंट लेना था तो एक्स वाई लिया, अगर हमें दो पॉइंट लेने हैं तो हम कौन से पॉइंट लेंगे? सो वी कैन टेक एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू। तो लेट्स टेक ए एज एक्स वन वाई वन एंड बी एज एक्स टू वाई टू। तो सपोज दिस इज पॉइंट ए दैट इज एक्स वन वाई वन एंड दिस इज पॉइंट बी दैट इज एक्स टू वाई टू। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होने चाहिए, वी कैन ऑल्सो टेक सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, व्हाटएवर यू वांट। तो जब दो पॉइंट्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में कुछ चीजें हमने पहले से पढ़ी हुई हैं, तो वो बेसिकली थ्री फोर थिंग्स आर देयर। फर्स्ट इज उनके बीच का डिस्टेंस, दूसरा उनका स्लोप, तीसरा सेक्शन फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो सबसे पहले वी आर गोइंग फॉर डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो ऑलरेडी आपको पता है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस अगर डी मान लें तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर। आपका मन हो तो आप इसको एक्स वन माइनस एक्स टू भी लिख सकते हो, इसको y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो, एक x2 x1 माइनस x2 एक y2 माइनस y1 तो भी चलेगा, बिकॉज प्लस माइनस का ही डिफरेंस है। अल्टीमेटली जब स्क्वायर करोगे तो प्लस माइनस का सेंस नहीं रह जाता है, तो आप x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, बट प्रेफरेबली वी शुड यूज x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1। तो लेट मी ज्वाइन दीज पॉइंट्स। अब एक काम करता हूं मैं, लेट मी ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम ए एंड वर्टिकल लाइन फ्रॉम बी। लेट मी से कि दिस पॉइंट इज सी, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बताना है। दिस इज अ डिफिकल्ट वर्क आई विल से, थोड़ा टिपिकल होता है टू आइडेंटिफाई कि सी का कोऑर्डिनेट क्या है। थिंक ऑफ इट, यू हैव 10 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट इट एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू। सो दिस पॉइंट विल बी, पहले इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर हमें चाहिए तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट विल बी ये वाला पोर्शन, दिस लाइन, ये डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है अगर आप देखोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट पूरा सेम टू सेम है, और ये डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो आई कैन से दिस इट विल बी सेम एज दिस। और ये कितना है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स टू है, तो अगर ये एक्स टू है तो ये सब एक्स टू होंगे क्योंकि पैरेलल लाइन है, तो ये भी एक्स टू होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स टू। अगर सही था तो फिर वाई भी सही होगा, गलत था तो वापस से ट्राई करो, वाई कोऑर्डिनेट आपको बताना है। सो y is, इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो x एक्सिस से डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज ऑलवेज इक्वल बिकॉज पैरेलल लाइंस है, दैट विल बी सेम एज दिस। ये कितना है? ये है y1, तो ये सब y1 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 y1, ये भी क्या होगा? y1 हो जाएगा। सो दैट इज द पॉइंट। अगर ये आपको पता है तो यू आर वेरी गुड बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड, एक्चुअली यू अंडरस्टैंड द नोटेशंस। सो अगर नोटेशन क्लियर नहीं है तो वापस एक बार देख लो, समझ लो। नाउ ये अब ये पोर्शन है वाई वन, ये पोर्शन है वाई टू, ये वाई वन है और ये वाई टू है। अगर ये वाई टू है, ये वाई वन है, तो ये पोर्शन क्या बचा? This portion is y2 minus y1. Think of it. बिल्कुल स्लो रखने का, वीडियो बीच बीच में पॉज करते जाने का, बिकॉज दिस इज द बेसिक ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर ये पोर्शन डिफिकल्ट नहीं समझ में आया तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
आप क्वेश्चन सॉल्व करने लायक होंगे लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो फोकस ऑन दिस वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। ये क्या होगा तो देखना, ये एक्स टू है, ये एक्स वन है, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो आई विल से दिस विल बी एक्स टू माइनस एक्स वन, क्योंकि दोनों को हमें ऐड करना है। तो अगर एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन हमें तो मैग्नीट्यूड वाइज ऐड करना है बिकॉज हमें तो डिस्टेंस से मतलब है। तो अगर डिस्टेंस से मतलब है तो ये डिस्टेंस एक्स टू होगा और ये डिस्टेंस एक्स वन नहीं होगा, मॉड एक्स वन होगा। ये डिस्टेंस एक्स टू भी बोल सकते हैं और मॉड एक्स टू भी बोल सकते हैं। बट आपको पता है कि एक्स टू हमने पॉजिटिव लिया हुआ है तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का मॉड वो भी पॉजिटिव होता है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आप अगर ऐसे बोलेंगे कि किसी भी नंबर का मॉड पॉजिटिव होता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज जो मैं आपको बता रहा हूं, एंड दैट इज पॉजिटिव नंबर का मॉड नंबर इटसेल्फ, नेगेटिव नंबर का मॉड नेगेटिव ऑफ द नंबर। तो ये नंबर पॉजिटिव है तो इसका मॉड एक्स टू ही रहेगा, ये एक्स वन नेगेटिव है तो इसका मॉड माइनस एक्स वन होगा। तो माइनस एक्स वन और एक्स टू ऐड करोगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन आ जाएगा। अब यही अगर मैं बोलता कि भाई ये नहीं है, एक्सिस यहां की जगह यहां है, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आता। कैसे? दिस इज एक्स वन एंड दिस इज एक्स टू, तो दिस वुड बी एक्स टू माइनस एक्स वन, बट नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, इट विल ऑलवेज बी एक्स टू माइनस एक्स वन। पॉइंट कहीं भी होगा, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, किसी भी क्वाड्रेंट में रखोगे इट विल ऑलवेज बी एक्स टू माइनस एक्स वन। अब पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, एवरीबडी नो द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो दैट इज वेरी बेसिक फॉर्मूला दैट एवरीबडी नोज। वी हैव सो मेनी डेरिवेशंस ऑफ दैट, सो यू ऑल नो अबाउट दैट। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो हो जाएगा अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, and that is the distance between AB, that is distance formula x2 minus x1 ka square plus y2 minus y1 ka square, bilkul as simple as that. Okay, think of it. Isme koi doubt ho to wapas rewind karke dekh lo, because video mein aap puch to sakte nahi hai, so you have to actually understand on your own. I think kafi detail mein samjhaya hai maine और ये समझ में आ गया होगा आपको। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। यू नीड टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन माइनस वन कॉमा टू एंड थ्री कॉमा फोर, माइनस वन कॉमा टू एंड थ्री कॉमा फोर, दैट विल बी व्हाट? अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन 3 minus minus 1, y2 minus y1, that is 4 minus 2, that gives me under root 3 plus 1 4 ka square 16, 4 minus 2 2 ka square 4, that is root 20. We can also write it as 2 root 5. ये रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन ऑलवेज गिव्स यू पॉजिटिव वैल्यू, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। लेट मी गिव यू समथिंग, स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड 4 पावर 1 बाय 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू प्लस 2 माइनस 2 प्लस माइनस 2 एंड नन ऑफ दीज, कौन सा होगा? तो यू विल मोस्टली से कि सब प्लस माइनस टू। फोर पावर वन बाय टू का वैल्यू क्या होगा?
तो 4 पावर 1 बाय 2 का वैल्यू भी यू विल से कि सेम ही है, बट एक्चुअली दीज आर द करेक्ट आंसर्स। रूट 4 जब रेडिकल साइन आता है ना, ये रूट का जो साइन होता है इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, और रेडिकल साइन गिव्स यू पॉजिटिव वैल्यू ओनली, इवन रेडिकल साइन। अगर क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सेवंथ रूट है तो बात अलग है, तब प्लस माइनस तो जो भी होगा वो आएगा, लेकिन अगर इवन रेडिकल साइन है, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू देगा, जबकि पावर 1/2 विल गिव यू बोथ द वैल्यूज। सो दैट इज द बेसिक आइडिया इन द केस ऑफ फंक्शंस। जब आप फंक्शंस पढ़ेंगे तो आपको इन दोनों का डिफरेंस बताया जाएगा। तो लेट्स नॉट गो देयर। ओके, सो दिस इज 2√5, दैट इज द डिस्टेंस। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 0,5 एंड 3,1, फाइंड द डिस्टेंस and that will be under root 0 minus 3 ka square plus 5 minus 1 ka square. This is 9 plus 16, that is 25. To answer is 5. So as simple as that. Next, ek aur example karte hain. माइनस 2,-3 एंड 3,0, फाइंड द डिस्टेंस एंड दैट विल बी अंडर रूट x1-x2 या x2-x1 भी कर सकते हैं। हाँ चलो, तो x1-x2 भी करोगे तो नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। और यहां जरूरी नहीं है कि आप x1-x2 किया है तो y1-y2 ही करना है, आप y2-y1 करोगे तो भी दैट विल बी सेम। दिस गिव्स यू 25+9, दैट इज √34। सो दीज आर सम बेसिक एग्जांपल्स ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। एक थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करते हैं, 80² 280 एंड a/t² - 2a/t, दीज आर टू पॉइंट्स, आपको इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो टेक अ पॉज एंड ट्राई टू फाइंड दिस क्वेश्चन। सो आई थिंक कि आपने अब तक अटेम्प्ट कर लिया है, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। अंडर रूट 80² a/t² का स्क्वायर प्लस 280 -2a/t का स्क्वायर का पार्ट है इक्वल्स टू, आई कैन राइट, ध्यान से देखना, ये a स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर है। अगर सारे a स्क्वायर कॉमन ले ले तो a बाहर आ जाएगा, और अंदर हमें बचा t² + 1/t² को आई एम गोइंग टू राइट t + 1/t, t - 1/t, उसका स्क्वायर स्क्वायर। यहां देखोगे तो एक 2 भी बाहर आ जाएगा, 4। ए स्क्वायर कॉमन आके ए आ चुका है तो यहां बचा t + 1/t। अब यहां देखोगे तो t + 1/t हमारा कॉमन आ गया, t + 1/t हमने कॉमन लिया, तो सॉरी इसका स्क्वायर, t + 1/t का स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर t + 1/t आ जाएगा, अंदर बचा t² - 1/t² - 2, ये वाला पोर्शन, और प्लस 4। दिस विल बी इक्वल टू a इंटू t + 1/t। रूट के अंदर क्या बचा, रूट के अंदर बचा t² + 1/t² प्लस है यहां पे -2 एंड प्लस 4 विल बिकम +2 विच इज इक्वल्स टू t + 1/t इंटू व्हाट इज दिस a² + b² + 2ab है। फिर से अगर मैं इसको t × 1/t लिखूंगा तो नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। अब ये सीधा सीधा फॉर्मूला दिख रहा है t + 1/t का, t + 1/t का स्क्वायर है, उसका रूट लिया तो ये आ गया। सो फाइनली व्हाट वी गेट, a
टी प्लस वन बाई टी का स्क्वायर, दैट इज फॉर्मूला। ये एक्चुअली में पैराबोला का क्वेश्चन है। पैराबोला में फोकल कॉर्ड के दोनों एंड के बीच का डिस्टेंस, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। ये एक्चुअल क्वेश्चन आपको पैराबोला में आएगा, देयर वी नीड टू फाइंड दिस। सो दिस इज अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दिस वॉज अबाउट डिस्टेंस फॉर्मूला। वी विल कंटिन्यू विद स्लोप फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। थैंक यू।